हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज, एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको लेके आया हूँ एसपीआर रोड पे और गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन पे, जहाँ पे मैं आपको एज ऑन डेट क्या डेवलपमेंट हो रहा है वो बताऊंगा। और अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए, तो मेक श्योर चैनल को इमीडिएटली आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस में लगातार लेके आता रहता हूँ। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ रुपये का लॉस कर दिया, क्योंकि हम आपकी हेल्प करते हैं सही टाइम पे, सही बिल्डर के साथ, सही लोकेशन पे, सही प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करवाने के अंदर और एग्जिट करने के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको एक वीलॉग के थ्रू एक रिव्यू दे रहा हूँ एसपीआर का, साउदर्न पेरीफेरी रोड का और गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन का। तो ऑलरेडी अगर आपने हमारे चैनल पे देखा होगा तो द्वारका एक्सप्रेसवे का ऑलरेडी रिव्यू दिया है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो चेक ना करा हो तो मेक श्योर इससे पहले वो वीडियो भी चेक कर लीजिए। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं NHAT से थोड़ी सी 100-150 मीटर आगे हैं। तो लेफ्ट साइड में हमारे अगर आप देखेंगे तो DLF का कॉर्पोरेट ग्रीन्स है, जो DLF की बिल्डिंग है, यू कैन सी। तो यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर ना सेक्टर 74A और 75A के अंदर साइबर सिटी 2 आ रहा है। तो साइबर सिटी 1 ऑलरेडी आप फेमिलियर होंगे, तो यहाँ पे साइबर सिटी 2 प्लान्ड है। और क्या प्लान्ड है, डेवलपमेंट है एज ऑन डेट, वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। सो लेट्स स्टार्ट। एंड यहाँ से NH8 जो है हार्डली 100-150 मीटर पे था, जो अभी हमने जस्ट क्रॉस किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे राइट साइड में सेक्टर 75A है, तो यहाँ पे अभी यू कैन सी EBD 75A का बोर्ड लगा हुआ है। तो MR बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल SCOs लॉन्च करे हैं अभी MR ने, तो वो है यहाँ पे। और लेफ्ट में एक DLF का एक प्रोजेक्ट का सेंटर पॉइंट वो था। और इसके अलावा अभी अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में 2-3 आपको M3M के प्रोजेक्ट्स दिखाई देंगे, लाइक कॉर्नर वॉक, ब्रॉडवे, प्रीवी, एक इसका अर्बन क्यूब 71 एक प्रोजेक्ट मिलेगा आपको वाइट लैंड का। ऑलराइट, और जो ये वाला रोड जा रहा है आपका राइट साइड में, ये आपका सेक्टर 77 की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे आपका जो DLF का जो नया लॉन्च आ रहा है सेक्टर 77-76 के अंदर, ऑलराइट, जहाँ पे 1100 अपार्टमेंट आ रहे हैं, आर्बर 2 आ रहा है, वो इसी रोड पे आगे जाके है। और गोल्फ हिल्स वगैरह भी इसी रोड पे आगे जाके थे। तो लेफ्ट साइड में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो M3M का कॉर्नर वॉक है, जो ये प्रोजेक्ट है। तो ये मॉल इसके अंदर ऑलरेडी इसके अंदर बना हुआ है और इसका पोजिशन लगभग आ चुका है। ओके, रेडी टू मूव इन कंडीशन के अंदर है, लीज आउट नहीं हुई है काफ़ी चीज़ें भी यहाँ पे, बट इनिशियली कुछ चीज़ें लीज आउट हुई है, लाइक एक्सिस बैंक आ गया यहाँ पे और एक दो ब्रांड्स और आ रहे हैं यहाँ पे। तो मीन वाइल इसको थोड़ा टाइम लगेगा लीज आउट होने के अंदर। लीज इज ए थोड़ा सा वीक पार्ट है अभी M3M का, जिसके ऊपर उनको काम करना काफ़ी ज़रूरी है। ऑलराइट, इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो राइट इसके अंदर ना भी यहाँ पे M3M इसका अमेरिकन एक्सप्रेस का कैंपस भी आ रहा है इसी रोड पे। ऑलराइट, और इसके अलावा गूगल का भी कैंपस आ रहा है। तो एक बार अगर आपको याद हो गोल्फ कोस्ट रोड का भी डेवलपमेंट जब ही हुआ था, जब वहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस का कैंपस आया था, तो एक बार अमेरिकन एक्सप्रेस का कैंपस आएगा और थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज आएंगे, तो आसपास जो भी कमर्शियल डेवलपमेंट दिख रहा है आपको, जैसे ये दिख रहा है आपको M3M प्रीवी, ऑलराइट, तो ये भी ये भी लीज आउट होगा। जो पहले देखा था हमने कॉर्नर वॉक, वो भी लीज आउट होगा। ऑलराइट, और इसके बाद जो आप देखेंगे लाइक ब्रॉडवे, वो भी लीज आउट होगा धीरे धीरे, जैसे जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस आएगा और कंपनीज आएंगी यहाँ पे। और ये तो कमर्शियल डेवलपमेंट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रहता है, तो इसको चलने में भी थोड़ा सा वक्त लगता है। तो यहाँ पे भी एक देखेंगे तो आप लेफ्ट साइड में वाइट लैंड का भी एक प्रोजेक्ट है, और इस रोड पे अगर आप जाएंगे तो अल्मीडा के प्लॉट्स भी आ जाते हैं। राइट साइड में अगर आप जाएंगे तो BPTP के प्लॉट्स आते हैं, आगे से भी उसका वे है। ऑलराइट, लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये आपका M3M का ब्रॉडवे प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे आपको मॉल्स मिलेंगे, मल्टीप्लेक्स मिलेगा, रिटेल शॉप्स मिलेंगी। तो काफ़ी प्रोजेक्ट ऑलरेडी सोल्ड आउट है, काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है। तो KFC वगैरह यहाँ पे ओपन हो चुका है, पिज़्ज़ा हट KFC। ऑलराइट,
क्लाइंट्स भी आ रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पे. एंड दिस इज द अमेरिकन एक्सप्रेस कैंपस जो मैं अभी बात कर रहा था आपसे. ये भी बिल्कुल रेडी टू मूव इन सिचुएशन में ये बिल्डिंग आ चुकी है. तो एक बार ये मेजर चीज़ है, यहाँ पे एक बार ये ऑपरेशनल हो जाती है तो और मे बी शायद मार्च या अप्रैल तक चांसेस हैं नेक्स्ट ईयर ये वाली बिल्डिंग ऑपरेशनल हो जाएगी. और राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो सेक्टर 68-69 आ जाते हैं जहाँ पे ट्यूलिप के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक ट्यूलिप वायलेट ब्लू पर्पल. और राइट इसके अलावा पीपीटीपी के प्रोजेक्ट्स हैं राइट साइड में आपके, लाइक एस्टेयर गार्डन, लो राइज फ्लोर्स हैं, विजनियर विलाज हैं पीपीटीपी के, प्लस प्लॉटेड डेवलपमेंट्स है, प्लस स्पेस के कुछ मॉल हैं, प्लस एक एलान का प्रोजेक्ट है यहाँ पे. ठीक है, तो ये डेवलपमेंट है. कुछ यहाँ पे स्ट्रक्ट प्रोजेक्ट्स भी हैं लाइक यूनिटेक के जो काफ़ी पुराने प्रोजेक्ट्स हैं. बस एक सिग्नेचर का प्रोजेक्ट है लेफ्ट साइड में. तो यहाँ पे काफ़ी यू नो पुरानी डेवलपमेंट होनी शुरू हुई थी. और कुछ स्ट्रक्ट प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में तो ये आई थिंक यूनिटेक वाले लो राइज डेवलपमेंट है जो, क्योंकि यूनिटेक भी एनसीएलटी में चला गया था तो उनके जेलर्स चंद्रा जी साहब जेल में हैं अभी आज के डेट में. तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स का यहाँ पे पैसा यू नो फंसा भी हुआ है, ब्लॉक भी हो रखा है. राइट साइड में भी यूनिटेक के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो गेन स्ट्रक्ट हैं. तो मे बी उन हज़ारों इन्वेस्टर्स को कुछ राहत मिलेगी जल्दी अगर कोर्ट ऑर्डर करेगी और जो भी हमारा रेरा है वो अगर एक्शंस लेंगे. तो ये एज ऑन डेट है अभी साउदर्न पेरिफेरी रोड की जो सिचुएशन है. लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे अभी आने वाला एक प्रोजेक्ट है टाटा प्राइमेंटी. तो यहाँ पे टाटा प्राइमेंटी हाई राइज अपार्टमेंट हैं प्लस विलाज हैं, प्राइमेंटी विलास जो काफ़ी डिमांड में हुआ करते थे आज भी डिमांड में है. यू कैन सी दिस इज द टाटा प्राइमेंटी प्रोजेक्ट. तो अभी हम आने वाले हैं सोना रोड पे. यू कैन सी कि NH8 से और सोना रोड का यहाँ पे हार्डली 8-10 मिनट्स का ड्राइव है अगर कोई जाम नहीं मिलता है हमको तो. और अभी वहाँ पे भी एक अंडरपास बन रहा है अभी, दैट आई विल शो यू ऑन सोना रोड. उसका भी इनॉग्रेशन होना था 4 नवंबर को बट आई थिंक थोड़ा डिले हुआ है. तो जिसकी वजह से भी अगेन एक और मेजर कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी और जाम से लोग बचेंगे. तो एक अंडरपास बना है जो साउदर्न पेरिफेरी रोड को और गोल्फ कोस्ट रोड एक्सटेंशन को कनेक्ट करता है. और राइट साइड में आपका जो रोड है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को चला जाएगा ऊपर से, और लेफ्ट साइड में आपका राजीव चौक के लिए रोड चला जाएगा. और जो तक टॉम विलास वगैरह थे वो भी आपके सेक्टर 48 के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर ही आएंगे. और तो थोड़ा सा आगे चल की तरफ है तो शायद हो सकता है आपको ना दिखाई दे यहाँ से. यू आर जस्ट अबाउट टू कम ऑन सोना रोड. So you can see here, Rajiv Chowk, Sohna, Faridabad. So that is the underpass that I am talking about. Maybe I think right now, I think it has been opened. Great. So, जो मैं अभी बात कर रहा था 4 नवंबर को इनोग्रेशन होना था तो बट आई थिंक इनोग्रेशन इसका हो चुका है ऑलरेडी. तो वील कम फ्रॉम द अंडरपास. तो पहली बार मैं दिखा रहा हूँ आपको अपने चैनल पे. तो ये अभी अंडरपास है, लेफ्ट साइड में आपका राजीव चौक की तरफ गया और राइट साइड में आपका सोना की तरफ रोड गया. एंड स्ट्रेट हम जा रहे हैं अभी गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन की तरफ. तो दिस वॉज ऑल्सो यू नो एक्सपेक्टेड फ्रॉम लॉट ऑफ टाइम क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी जाम लगता था इस रेड लाइट के ऊपर. तो बिकॉज ऑफ दिस अंडरपास जाम की जो समस्या थी यहाँ पे वाटिका चौक पे वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी. तो अच्छा अंडरपास बनाया है यहाँ पे. तो अभी हम इस अंडरपास के बाद जो रोड स्टार्ट हो जाता है वो हमारा गोल्फ कोस्ट रोड एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाता है. तो लेफ्ट साइड में हमारे वाटिका के कुछ प्रोजेक्ट्स थे, राइट साइड में हमारा MR के कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, पाम ड्राइव. और राइट, तो वहाँ पे कई प्रोजेक्ट है, पाम ड्राइव सेलेक्ट टेरेस. और राइट, तो काफ़ी पुराने प्रोजेक्ट हैं एज ऑन डेट, हालांकि उसकी मेंटेनेंस
बहुत अच्छी नहीं हुई तो पपड़ियाँ झड़ने लग गई हैं। और जो आप एक आई थिंक बात कर रहे थे हम गोदरेज के लॉन्च की, तो वो भी आपका लेफ्ट साइड में गोदरेज का लॉन्च अभी आ रहा है सेक्टर 49 के अंदर। जो भी हम बात कर रहे थे सेक्टर 66 के लॉन्च की, तो उसकी जो लोकेशन का जो एक्सेस है वो आपका पाम ड्राइव के बिल्कुल साथ से रोड जा रहा है एक राइट साइड में, तो वहां पे ये वाला जो रोड सामने आपको दिख रहा है ये रोड अंदर जाएगा, तो वहां से आपकी उसकी लोकेशन है स्मार्ट वर्ल्ड सेक्टर 66 के अंदर जो नया लॉन्च आ रहा है, जहाँ पे 3 और 4 बेडरूम की यूनिट आपको मिलती है 2800 स्क्वायर फीट से लेके 3400 स्क्वायर फीट, और काफ़ी अच्छा उसका लेआउट है, एफिशिएंट लेआउट बनाया हुआ है जहाँ पे आपको जकूजी मिलती है ऑन बैल्कनीज। राइट राइट साइड में आपके कई कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, लाइक एक इंडिया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है IFC M3M का, तो जो वन ऑफ द ग्रेट ऑफिस स्पेस बिल्डिंग है ऑन द होल यू नो गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन, यू कैन सी दिस इज द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर जो रेडी टू मूव इन ऑफिस स्पेस है, की तरफ डिटेल है और ऊपर की तरफ ऑफिस स्पेस है, और इसके साथ में APL का भी एक प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे सेंट जेवियर स्कूल आ जाता है लेफ्ट साइड में, और आगे की तरफ थोड़ा DPS स्कूल आएगा। और जो ये रेड लाइट आई है हमारी, ये रेड लाइट से राइट में अगर आप चले जाएंगे तो आपको सेक्टर 65 आपका सेक्टर 65 लेफ्ट में पड़ेगा, जो M3M गोल्फ स्टेट प्रोजेक्ट है, जो वन ऑफ द सिग्नेचर प्रोजेक्ट है M3M का, जो काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है और जिसको प्रोजेक्ट को दिखा के एज अ सिग्नेचर M3M ने काफ़ी प्रोजेक्ट यू नो सेल करे हैं मार्केट के अंदर, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। उसके अंदर M3M गोल्फ स्टेट फेयरवे ईस्ट, फेयरवे वेस्ट, प्लस लेटीट्यूड पोलो सुइट्स कई प्रोजेक्ट्स हैं, प्लस आपका ट्रम्प टावर वगैरह है वो भी सेक्टर 65 के अंदर आ जाता है। प्लस राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये सेक्टर 67 है, तो यहाँ पे आपका 66 है सॉरी, तो यहाँ पे आपका IFC हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर हो गया, प्लस मारबेला विलाज हो गए, प्लस आपका कॉस्मोपॉलिटन हो गया, तो इस टाइप के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, एक दो प्रोजेक्ट एलान और स्पेस के भी हैं इस सेक्टर के अंदर, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द हॉट बेल्ट। तो जो इसका DLF का लॉन्च आया था 63 के अंदर, वो भी इसी रोड पे स्ट्रेट जाके आगे से लेफ्ट हो गए, रेड लाइट से लेफ्ट हो गए, तो वहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस सेक्टर की, सेक्टर 65 है और लेफ्ट साइड में आपका निर्वाणा कंट्री और क्लोज साउथ क्लोज नॉर्थ वगैरह वो वाले सारे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, और राइट साइड में जो अभी नॉर्थ चल रहा है सेक्टर 65, और लेफ्ट साइड में एस्केप निर्वाणा कंट्री वगैरह वो आ जाते हैं हमारे। और एक प्रोजेक्ट था M3M के स्काई हाइट्स एंड स्काई सिटी, वो आपके राइट साइड में जो चल रहे हैं वो हैं, और पहले फ्रंट में आपका 65th एवेन्यू आता है जो कमर्शियल है, और बैक साइड में आपके M3M हाइट्स एंड M3M स्काई सिटी है, दो टावर इसके हैं अलग नाम से और चार टावर्स अलग नाम से, टावर 116 का पोजीशन अभी बड़ा जल्दी आने वाला है, और बाकी जो टावर 4 हैं टावर 2, 3, 4, 5 उसका भी प्रोजेक्ट मतलब पोजीशन जो अगले 3 से 6 महीने के अंदर मैक्सिमम मिल जाएगा। तो यहाँ पे ग्राउंड प्लस 48 फ्लोर की ये बिल्डिंग बनाई हुई है, जैसा M3M हाइट नाम है, तो हाइट एक्चुअल 48 फ्लोर की हाइट आपको दिखाई देगी यहाँ पे। तो दिस इज द गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन, और यहाँ पे अगर कुछ देखेंगे आप थोड़े लेफ्ट में अंदर जाके कुछ एक दो प्रोजेक्ट्स और भी हैं आपके फ्रंट थोड़ी सी आगे चल के दिखाई देंगे वो आपको, जैसे कि M3M का एट्रियम प्रोजेक्ट है, M3M का पैरागॉन है, सेक्टर 57 आ जाता है उस रोड पे HDFC स्कूल के पास। प्लस राइट साइड में आपके कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स भी हैं, लाइक MRDG ग्रीन्स हो गया, सॉरी MR का डिजिटल करके एक कमर्शियल बिल्डिंग है। और तो हालांकि यहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत अच्छे हो गए हैं, बट गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी बनने के अंदर यू नो बहुत वक्त लग रहा है। मैं इसको
10 11 साल से देख रहा हूँ इस रोड की बहुत ज्यादा हालत नहीं सुधरी है और प्रॉपर्टी के रेट्स तो हैव बीन स्काई रॉकेटेड लाइक एनीथिंग, बट द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट नीड्स टू बी बिल्ट बाय गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज दैट इज यू नो गेन ए क्वेश्चनेबल मार्क, तो वो भी बनना है। तो इसी आने वाले टाइम के अंदर वी कैन अज्यूम कि अगले 3 से 4 साल के अंदर यहाँ पे इस रोड की भी जो सिचुएशन है वो गोल्फ कोर्स रोड जैसी हो जाएगी, और एक बार वो रोड हो जाएगा तो डेफिनेटली जो प्राइसेस वहाँ पे कमांड कर रही हैं प्रॉपर्टीज लाइक 22,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट टू 47,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, उस लेवल का जो प्रॉपर्टी इस रोड पे भी कमांड करेंगे आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर में। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द यू नो रिव्यू ऑफ गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो यू कैन यू नो ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस ऑन बिलो गिवन नंबर्स। एंड आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा जिसके अंदर मैंने SPR प्लस गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन का थोड़ा रिव्यू करने की कोशिश करी है व्लॉग के माध्यम से। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, फिर इंडियो नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और वीडियो बहुत अच्छा लग गया तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी एक रेजिडेंशियल या कमर्शियल इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं गोल्फ कोर्स रोड पे या एक्सटेंशन पे या फिर SPR पे साउदर्न पेरिफेरी रोड पे या इवन पूरे गुड़गांव के अंदर फॉर दैट मैटर, सो दैट उनकी एक हेल्प हो सके और मुझे एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस बनाने के लिए। सो विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूँ अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।